हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोमेंट एंड लीवर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस जो निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा तथा प्रश्नों का माध्यम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स फ्री टू टर्न अबाउट ए स्टेबल पॉइंट इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में कहते हैं आघूर्ण। क्या कहते हैं? आघूर्ण, बलाघूर्ण भी कहा जाता है इसको। तो मोमेंट मतलब किसी बल के पर किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल क्या करता है, यदि किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति कर रखता है तो उसको हम बोलते हैं बलाघूर्ण। क्या बोलते हैं? बलाघूर्ण या मोमेंट बोलते हैं। अब मोमेंट का सूत्र क्या होता है, तो मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको याद रखना है। अगर इसकी यूनिट आपसे पूछा जाए तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, या दूसरी यूनिट इसकी होती है किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ मोमेंट की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट। आपका फर्स्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है आपका क्लॉकवाइज। तो आपका एक हो गया क्लॉकवाइज और दूसरा आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई स्टेबल पॉइंट है और ये हमारी कोई एक छड़ है, तो इस पर अगर इस तरीके से लगाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्ष के चारों ओर परिता क्या कर सकता है, घूमता है। तो इसको क्या कहते हैं, बलाघूर्ण या मोमेंट कहते हैं। तो मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, मान लीजिए ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये क्लॉक वाइज घूमेगा, तो हम इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त बलाघूर्ण। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, वामावर्त बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण दो प्रकार के, या मोमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये बात थी मोमेंट के बारे में। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो द टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स आर, देयर आर टू टाइप्स, कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। आगे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। इफ द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन द मोमेंट ऑब्टेन इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मोमेंट। क्या उनका मोमेंट होता है, पॉजिटिव मोमेंट। अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड। तो किसी भी मशीन में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो फोर्स जिसके जो हम बल लगाते हैं, उस बल को हम क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, फोर्स ओवरकम बाई एन एफर्ट इज कॉल्ड। हमने जो क्या कहते हैं, बल लगाया या हमने जो प्रयास लगाया उसके रिजल्ट में जो फोर्स मिलता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फल्क्रम। तो यहां पर देखिए आपका, अगर जो यहां से मान लीजिए ये आपका क्या है, जो स्थिर बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम। ठीक है, स्थिर पॉइंट जो होता है, जो स्टेबल पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, तो उसका नाम होता है फलक्रम। ठीक है, फलक्रम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जहां से हम प्रयास लगाते हैं, जहां से हम बल लगाते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट। क्या बोलते हैं, एफर्ट। और जहां से हम किसी भार को उठा रहे हैं या जहां पर लोड हमें करना होता है, लोड रखना होता है, उसको हम बोलते हैं लोड। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन पॉइंट हो गए आपके, फलक्रम, एफर्ट एंड लोड। तो आपका इसको हिंदी में बोलते हैं आलंब, इसको बोलते हैं आयास और इसको बोलते हैं भार। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब यहां फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। फलक्रम टू एफर्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। और फलक्रम टू लोड तक की हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड आर्म। क्या बोलते हैं, लोड आर्म। और ये किसके बराबर होता है, तो आपका आपको पता होना चाहिए कि लोड इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू क्या होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म।
ओके, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोड प्रांदा फलक्रम कार्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, लोड प्रांदा फलक्रम। तो लोड ये हो गया और प्रांदा फलक्रम, फलक्रम से लोड तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको एफर्ट के लिए भी पूछा जा रहा है, एफर्ट प्रांदा फलक्रम, तब आपको क्या लगाना है, एफर्ट आर्म, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। चलिए अब हम लीवर की बात कर लेते हैं। तो लीवर क्या है, लीवर एक ऐसी सरल मशीनें हैं जिनसे क्या होता है, हम किसी कार्य को बहुत ही सरलता से कर लेते हैं, या बहुत ही किसी काम को हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। क्या अगर लीवर के, तो लीवर क्या है, एक ऐसी सीधी दृढ़ छड़ है, या जो क्या होती है किसी स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है। ठीक है, तो लीवर कितने प्रकार के होते हैं आपके, लीवर 3 प्रकार के होते हैं आपका, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, पहले चीज अगर हम लीवर की और चर्चा करें, तो आपका एक लीवर होता है स्ट्रेट लीवर, स्ट्रेट लीवर, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है कर्व्ड लीवर। ठीक है, अगर स्ट्रेट लीवर की बात किया जाए तो कितने प्रकार के, स्ट्रेट लीवर आपके 3 प्रकार के, फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, और आपका थर्ड कौन सा होता है, थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के लीवर होते हैं। अगर प्रिंसिपल ऑफ लीवर की बात किया जाए आपसे, तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है, यहाँ आप लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए, सपोज करिए कोई लीवर है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई एक लीवर है, यहाँ पर आपका क्या है, फलक्रम है, यहाँ पर आपका क्या है, लोड है, और यहाँ पर आपका क्या है, एफर्ट है। तो यहाँ फलक्रम टू एफर्ट लेंथ को क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, ये वाली आर्म हमारी क्या हो जाएगी, एफर्ट आर्म, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, लोड आर्म। तो लीवर में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, लोड इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर हमारे क्या करते हैं, लीवर क्या करते हैं, काम करते हैं, इस सिद्धांत पर उत्तोलक कार्य करते हैं। ठीक है, तो लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ लीवर में, अब फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें, तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि इसमें फलक्रम क्या होता है, मध्य में होता है, फलक्रम आपका क्या होता है, मध्य में होता है। अगर द्वितीय क्लास की बात किया जाए, तो द्वितीय क्लास के लीवर में लोड आपका क्या होता है, मिड में होता है, और थर्ड क्लास लीवर में आपका फोर्स क्या होता है, मिड में होता है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, FLE, FL, यहां से फर्स्ट में क्या F फोर्स है, सेकंड में आपका क्या है, लोड है, और थर्ड में आपका क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका फोर्स, सॉरी फलक्रम, ठीक है, दूसरे में आपका क्या है, लोड बीच में, और तीसरे में आपका कौन सा लो है, फोर्स। तो फर्स्ट क्लास लेवल में लोड, तो अब देखिए यहां पर जैसे क्ला हैमर है, तो क्ला हैमर में आपका क्या हो जाएगा, ये स्थिर पॉइंट हो गया, तो लोड आपका क्या होता है, फलक्रम, फलक्रम आपका क्या है, बीच में है। ठीक है, एफर्ट यहां से लगाते हैं, लोड क्या है, किनारे पर है, तो यहाँ पर जो क्ला हैमर है, वो क्ला हैमर किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। देन आपका प्लायर्स की बात किया जाए, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, लोड रखते हैं, यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, और ये बीच में क्या है, फलक्रम है। तो ये भी किस कैटेगरी का एग्जाम्पल हो गया, ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। देन सेकंड क्लास में क्या होता है, लोड मध्य में होता है, तो जैसे व्हील बैरो की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, ये फलक्रम है, ये स्थिर पॉइंट है, तो ये फलक्रम हो गया। देन यहाँ पर आप क्या करते हो, लोड अप्लाई करते हो, और एफर्ट कहाँ से लगाते हो, यहाँ से लगाते हो, तो इस कारण से क्या हो गया, सेकंड क्लास लीवर हो गया। इस प्रकार से नट क्रैकर में फोर्स देखिए किनारे पर है, यहाँ पर ये फलक्रम है, यहाँ नट क्रैकर में ये क्या है आपका, ये आपका फलक्रम है, लेकिन आप लोड कहाँ पर रखते हो, बीच में रखते हो, और एफर्ट कहाँ, किनारे से लगाते हो, तो यहाँ से क्या हो गया, लोड मिड में होने के कारण ये क्या है आपका, सेकंड क्लास लीवर। ठीक है, क्लास थर्ड लीवर में आपका ह्यूमन आर्म, ह्यूमन आर्म में क्या होता है, फोर्स बीच से लगता है, ये क्या है आपका, लोड है, और यहां से आपका एफर्ट, तो ये आपका फलक्रम है, यह क्या है बीच में आपका, ये कोहनी जो आपकी क्या है, ये आलंब है। ठीक है, एफर्ट किनारे पर है, और लोड जो आपका है क्या, हथेली पर है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, ह्यूमन आर्म किसका एग्जाम्पल है, ये थर्ड क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर। ठीक है, तो फिक्स्ड या सपोर्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। ठीक है,
एफर्ट लोड आपको पता है। एफर्ट मीन्स क्या होता है, जहां से हम लोग बल लगाते हैं उसको एफर्ट बोलते हैं, और जहां पर लोड होता है, ठीक है, जो लोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट अपॉन लोड। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है आपका, एफर्ट अपॉन लोड। ओके, तो इतना स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हिच इज एग्जांपल फॉर सेकंड ऑर्डर लीवर। तो सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल आपका क्या होता है, बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर में क्या होता है आपका, सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, लोड आपका क्या होता है, मिड में होता है, एफर्ट आपका और एफर्ट और फलक्रम क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो बॉटल ओपनर आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लोड क्या होता है, मिड में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर। तो फोर्सेप्स क्या है आपके, थर्ड ऑर्डर लीवर है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ लीवर इज वेल क्रैंक लीवर। तो वेल क्रैंक लीवर क्या होते हैं, कर्व लीवर का जो एग्जाम्पल है वो वेल क्रैंक लीवर है। तो कर्व लीवर है, वेल क्रैंक लीवर कैसा लीवर है, कर्व लीवर है, ठीक है। विच ऑर्डर लीवर इज क्ला हैमर। तो क्ला हैमर इज फर्स्ट ऑर्डर लीवर, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, 8 मीटर लॉन्ग राड इज रेस्टिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड, ठीक है। तो ये आपकी पूरी राड की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, और 8 मीटर से यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट है, कोई फलक्रम है, इससे 3 मीटर की दूरी पर क्या है आपका, 10 किलोग्राम का एक वेट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी ओर कितने आपका लोड रखा जाएगा। तो आपका यहाँ मान लीजिए 1 किलोग्राम का लोड रखा जाएगा। तो ये दूरी आपकी पूरी दूरी 10 किलोग्राम है, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, ठीक है। तो पूरी दूरी आपकी, सॉरी, पूरी दूरी आपकी 8 मीटर है, तो ये दूरी आपकी 3 मीटर, देन ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। कितनी दूरी हो जाएगी, 5 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू लीवर प्रिंसिपल क्या होता है आपका, फलक्रम टू लोड। तो लोड इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, लोड आर्म इक्वल्स टू क्या होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म ये होना चाहिए। तो यहां से इसको हम लगा देंगे, तो 10 × 10 लोड है इंटू 3 लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स मान लिया है, एक्स इंटू 5, तो 5 × 10, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम। तो इसका एग्जाम्पल कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्स अप्लाइड बाई ए लेडी इज 2 न्यूटन। तो एक लेडी के द्वारा फोर्स कितना अप्लाई किया गया, 2 न्यूटन, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज 16 न्यूटन। तो मान लीजिए किसी अच्छे के परिता क्या कहते हैं, एक लेडी ने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो वहां पर जो मोमेंट उसको मिलता है वो 16 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो कितना डिस्टेंस ऑफ पाइवेट फ्रॉम द एफर्ट, तो एफर्ट से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या पता है कि मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 16, फोर्स 2 दिया गया है, डी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मीटर, एक्स इक्वल टू 8 मीटर। ओके, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ए बॉय 30 किलोग्राम सिट्स 1.4 मीटर अवे फ्रॉम द फलक्रम ऑफ ए सीसा, एट वाट डिस्टेंस अनदर 25 किलोग्राम बॉय शुड सिट टू मेक सीसा बैलेंस। तो ये देखिए, आपका जो झूला होता है, झूले में क्या होता है, बीच में फलक्रम होता है, और इधर किनारे लोड, इधर आपका भी लोड, बच्चा बैठता है। तो एक बच्चा क्या, 30 किलोग्राम का एक बच्चा है जो इस ओर बैठा है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 1.5 मीटर। अब कह रहे हैं इस पर हमें 25 किलोग्राम का बच्चा बैठाना है, ठीक है, जिससे सीसा बैलेंस हो सके। तो किस डिस्टेंस पर इसको बैठाया जाए, तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर इसको बैठाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू लीवर प्रिंसिपल क्या होता है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। देन आपका 30 × 1.4 इक्वल्स टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 25। तो एक्स इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 × 1.4 / 25। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1.68 मीटर, 1.68 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।